मुकेश अंबानी के घर के बाहर से बरामद हुई संदिग्ध कार के मामले में सचिन वाजी की टीम में शामिल अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। मुंबई पुलिस के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के 4 सदस्य जो कि वाजी की टीम का हिस्सा थे, उनसे NIA ऑफिस में पूछताछ हुई। इस मामले में पुलिस ऑफिसर सचिन वाजी को NIA ने शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में वाजी की गिरफ्तारी खुद मुंबई पुलिस पर सवाल उठा रही है। मुकेश अंबानी के घर के सामने जो स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की स्टिक्स पाई गई थी, उसकी जांच और उसी प्रकार मनसुख का हिरेन, इसकी जो हत्या है उसकी भी जांच NIA और ATS दोनों घटना की जांच कर रही है और जो भी सत्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर वाजी की गिरफ्तारी के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। वाजी की गिरफ्तारी पर शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने उन्हें एक ईमानदार और सक्षम अधिकारी करार दिया है। संजय राउत ने कहा कि संदिग्ध कार और जिलेटिन की छड़े बरामद होने की घटना की जांच मुंबई पुलिस और ATS भी कर सकती थी। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि एंटीलिया के बाहर कार में मिली जिलेटिन की छड़ों की जांच मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी थी, इसके लिए किसी राष्ट्रीय एजेंसी की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए, सचिन वाजे मुंबई पुलिस के एक अफसर है, मैं मानता हूँ कि बहुत ही कामयाब और होनहार अफसर है। इन्वेस्टिगेशन करने में वो बहुत ही होशियार अधिकारी है, बहुत से क्राइम इन्वेस्टिगेशन इस अधिकारी ने किया है। अब जो 20 जिलेटिन की कोई कांडियाँ मिले हैं आपको, उस बारे में उसको अरेस्ट किया है, उस मामले में एक मौत भी हो गई है, बहुत ही रहस्यमय मौत है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये सभी मामलों का गुने का तपास करने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की, उसमें केंद्र से आकर कोई टीम को जांच करने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई गुनहगार है, कोई बड़ा षड्यंत्र है, तो मुंबई पुलिस भी उसको ओपन कर सकती है। उससे पहले ऐसे बड़े बड़े गुना, चाहे मुंबई ब्लास्ट हो, चाहे 26/11 का हमला हो, चाहे कसाब हो, चाहे मेमन हो, सबको पकड़कर पूरा षड्यंत्र तोड़कर ये सभी लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाने का काम हमारे मुंबई पुलिस ने किया है। तो ये इतनी भागम दौड़ करके, खून पसीना बहाकर, भागम बहा करके 24 घंटे में जिस तरह से NIA यहाँ घुस गई, ठीक है, केंद्र की जांच एजेंसी, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये काम हमारी पुलिस भी कर सकती है, कर सकती थी, और हमारे पुलिस ने ATS के पास उसकी जांच की। मुंबई और महाराष्ट्र ATS को इस देश में बहुत बड़ी इज्जत और प्रतिष्ठा है, लेकिन केंद्र की जांच एजेंसियां बार बार मुंबई महाराष्ट्र में घुसकर हमारे पुलिस फोर्स का मनोबल कम करने का जो एक षड्यंत्र कर रही है, वो राज्य को अस्थिर करने का काम है। शिवसेना नेता और संजय राउत ने कहा कि हम NIA का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी पुलिस भी इसकी जांच कर सकती थी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां बार बार मुंबई में प्रवेश करती हैं और पुलिस का मनोबल गिराती हैं, यह राज्य में अस्थिरता पैदा करती हैं और मुंबई पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाती हैं। बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया के बाहर मिली कार के कथित मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में विवादों में घिरी पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से 12 घंटे की पूछताछ के बाद NIA ने शनिवार देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया।